पाकिस्तान में निराशा निराश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स, में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौसरबाजों से भी बच के रहें। नाज़रीन, आज हम दोबारा बात करेंगे कैश वर्थ के ऊपर, क्योंकि हमारा पहले दिन से यही स्टांस है कि कैश वर्थ भी सैफुर्रहमान ख़ान नियाज़ी की है, सरदार अयाज की है, मलिक नवीद है, मामून है, राजा रियाज हैं। ये लोग मिल के पाकिस्तानी आवाम को चूना लगा रहे हैं, और इसके साथ साथ इसके साथ जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आपको नाज़रीन ये बताएं कि तौसीफ़ आमिर के मुतल्लिक भी एक बड़ा इंकशाफ हुआ है कि तौसीफ़ आमिर ने एक एयर होस्टेस को किस तरह अपने जाल में फंसाया, उसको दुबई लेके गया, फिर यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन हमें तक दी गई है, हमें पहुँचाई गई है, वो इन्फार्मर कौन है, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें हमें प्रोवाइड की जा रही हैं, और फिर तौसीफ़ आमिर के मतलब उसके भाइयों के मतलब उनके घर का एड्रेस, उनका पूरा डाटा, और यहाँ तक हमें प्रोवाइड किया गया कि उनका जो फैमिली ट्री होता है तौसीफ़ आमिर का, वो भी हमें मुहैया किया गया। लेकिन इसके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं, और अभी हमारा काम जारी था कि जो हमारा इन्फार्मर है जिसने हमें इन्फॉर्म की थी ये चीज़ें जो प्रोवाइड की थी, उसने कुछ और की भी इंकशाफात किए हैं तौसीफ़ आमिर के मतलब। तो सिर्फ आमिर और एयर होस्टेस और ब्रावो सुपरस्टोर, ये सारी चीज़ें इनके ऊपर भी वर्कआउट हो रहा है। जल्दी हम आपको तौसीफ़ आमिर का एक और असल चेहरा भी दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि तौसीफ़ आमिर साहब बुनियादी तौर पर बी फॉर यू में रहकर उन्होंने कितने बड़े बड़े हाथ मारे, और अब जो स्टांस लिया जा रहा है सैफुर्रहमान ख़ान नियाज़ी, ये चाहता है कि तौसीफ़ आमिर भी इस केस में, उसका क्योंकि पेटी भाई है, उसका हम न्याला हम नवाला हम प्याला है, तो वो तौसीफ़ आमिर को भी सैफुर्रहमान ख़ान नियाज़ी ये चाह रहे हैं कि जितनी सज़ा उसे हो उतनी सज़ा तौसीफ़ आमिर को। अभी हम आपको मज़ीद चीज़ें भी बताएंगे, कुछ और हकीकतों से पर्दे भी उठाएंगे। लेकिन नाज़रीन, आपको एक बात बता देंगे, कैश वर्थ सैफुर्रहमान ख़ान नियाज़ी की है, और आपको मालूम है कि हाइफा ख़ान, जिसका असल नाम भी हमने आपको बताया था कि अरूज सईद है, उस खातून का नाम हाइफा ख़ान का, जो कहती है मिलेनियम वेलफेयर ट्रस्ट, और मिलेनियम वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो एक साल कबल कराची में बनाया गया, और उसकी जो वेबसाइट की हिस्ट्री हमें मौसूल हुई है जिसके ऊपर हमने काम किया था, हाइफा ख़ान के ऊपर बात करेंगे। लेकिन कुछ वॉइस नोट आपको सुनाने हैं ताकि आपको मज़ीद इस चीज़ का सबूत और इस चीज़ के पुख्ता ईमान हो जाए कि राजा रियाज आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं सैफुर्रहमान ख़ान नियाज़ी के साथ मिलकर। राजा रियाज ने कहा, जी मैंने शादी करनी हुई तो मैं ओपन चैलेंज करूंगा, राय साहब खुदा का नाम लें, आपकी टांगें कब्रों में हैं और आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, दूसरों की बच्चियों को बरगला रहे हैं, दूसरों की इज्जतों के साथ आप खेल रहे हैं, आप तो खुद एक इतने बड़े नौसरबाज, और आपने जो साथ खवातीन रखी वो भी नौसरबाज रखी, क्योंकि आपको मालूम था कि हाइफा ख़ान का असल नाम अरूज सईद है, आपने लोगों को वो भी नहीं बताया। फिर आपने जो सनम अवान रखी है, सनम अवान एक जगह कहती है कि मैं राजा रियाज को के साथ उसकी कंपनी में गुज़िश्ता 10 साल से काम करती हूँ। ये वॉइस नोट सुने, फिर इसकी हकीकत ताहिर नसीर आपको बताता है। जी तो नाजरीन, ये आपने वॉइस नोट सुना, और इसमें सनम अवान कह रही है कि मैं राजा रियाज को 10 सालों से उनकी कंपनी में काम करी, उनको जानती हूँ। अब राजा रियाज जो मोटिवेशनल स्पीकर है, जो नौसरबाज है, जो फ्राडी है, जो जलसाज है, जो बेरूपिया है, जो लोगों को टोपी कराने का माहिर है, वो सनम अवान के मतलब क्या कह रहा है, ये राजा रियाज की वीडियो से ली गई वो एविडेंस है, आप खुद सुने, फिर आपको शायद अंदाजा हो जाए कि सच क्या है और झूठ क्या है। राजा रियाज सनम अवान के मुतल्लिक क्या कह रहे हैं, जरा सुने। मेरा और सनम का कोई गुज़श्ता 8 साल का एक ताल्लुक है, लेकिन यहाँ चंद महीनों से ये हमारे साथ है और आप इसकी तमाम एक्टिविटीज से वाकिफ है। जी तो नाज़रीन, ये राजा रियाज ये कह रहा है कि मैं 8 सालों से जानता हूँ, और सनम अवान कहती है मैं 10 सालों से इसकी कंपनी में काम कर रही हूँ। मतलब के राजा रियाज के मुताबिक 8 साल और सनम अवान के मुताबिक 10 सालों से वो राजा रियाज के साथ काम कर रही है। फिर राजा रियाज ने कुछ और हकीकत भी सनम अवान के मुतल्लिक बताई, एक और वॉइस नोट भी हमारे हाथ लगा है, वो हम अगले प्रोग्राम में चलाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जब इन नौसरबाजों ने ये कैश वर्थ का एक वेबसाइट जब लॉन्च की, तो उसके साथ ही इन्होंने मिलेनियम वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो हाइफा ख़ान, जिसका असल नाम अरूज सईद है,
उसके मुतालिक राजा रियाज ने क्या कहा। हाइफा खान के मुतालिक राजा रियाज बहुत कुछ फरमा रहा है, लेकिन हाइफा खान जो अरूज सईद है वो खुद क्या कह रही है, जरा ये सुन लें कि मिलेनियम वेलफेयर ट्रस्ट है किसकी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबके लिए। जैसा कि राजा साहब ने कहा कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है, जी बिल्कुल मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशन फाइव है, क्योंकि मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोफेशन फाइव के प्लेटफॉर्म से मिली है। मैंने राजा साहब से डिस्कस किया कि राजा साहब बिल्कुल मेरे मिजाज के मुताबिक है ये काम, तो मैं कर सकती हूँ। राजा साहब ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, उन्होंने कहा बिल्कुल आप कर सकती हैं। तो जो कंपनी मैं ज्वाइन करने लगी हूँ उसका नाम है मिलेनियम वेलफेयर ट्रस्ट, और प्रोफेशन फाइव से रेजिग्नेशन देने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि मेरा राजा साहब से रब्ता मुनकता हो जाएगा। जी तो नाजरीन, ये तीन वॉइस नोट चलाने का मकसद क्या था कि आपको इन नुसरबाजों के चेहरे से पर्दा उठाना। सना मवान के मुताबिक वो 10 सालों से राजा रियाज की कंपनी में काम कर रही है। राजा रियाज के मुताबिक 8 सालों से सना मवान उसको, यानी कि राजा रियाज सना मवान को जानता है, और जो हाइफा खान असल नाम अरूज सईद है उसको मिलेनियम वेलफेयर ट्रस्ट में नौकरी मिली है। बेसिकली मिलेनियम वेलफेयर ट्रस्ट वो हाइफा खान का अपने वॉइस नोट सुना जिसमें कहती है कि मैं चाहती थी मुझको ऐसा काम मिले कि मैं नुसरबाजी सही तरीके से कर सकूँ, लोगों को अच्छे अच्छे तरीके से काट सकूं, जो डोनर्स हैं उनके साथ ऐसा फ्रॉड करूं, उनको ऐसी टोपी दिखाऊं कि वो समझ लग जाए कि हम कितने गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर हाइफा खान यानी कि अरूज सईद, राजा रियाज, सना मवान, ये तीन एक ही प्याले एक ही टोकरी के नीचे होते हैं। क्योंकि आप देख लें, राजा रियाज की, सना मवान की जितनी वीडियोज़ आ रही हैं वो सिर्फ एक फ्लैट से ही आ रही हैं, वहाँ पर कोई ऑफिस नहीं है, वहाँ पर सिर्फ लगता इसी तरह है कि वहाँ पे जो फ्लैट रखा गया है अय्याशी का अड्डा रखा गया है। मैं और बहुत कुछ कहना चाहता हूँ राजा रियाज के मतलब, राजा रियाज की कुछ और हकीकत हम अगले प्रोग्राम में चलाएंगे। अब आपने खुद अंदाज़ा कर लेना है, खुद तायुन कर लेना है कि राजा रियाज कितना बड़ा झूठा है, वो सना मवान जो खातून होने का फ़ायदा उठा रही है वो कितनी बड़ी नौसरबाज है, कितनी बड़ी धोखा वो आवाम को दे रही है, और हाइफा खान जिसका असल नाम अरूज सईद है वो कितनी बड़ी फ्रॉडन है। ये अब आपने खुद तायुन करना है, और कैश पर है ही फ्रॉड, बाकू जा रहे हैं, बाकू जाए। और आपको एक और बात बताएं कि सना मवान और राजा रियाज की भी दुबई में एक जगह पर तल्ख कलामी हुई है और बात हाथापाई तक पहुंच चुकी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में कुछ और हकीकत भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मैं हूं सना मवान, मीडियम प्रोफेशन फाइव, और मेरे साथ मौजूद है राजा रियाज अहमद साहब जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रोफेशन फाइव के, और मेरे साथ मौजूद है हाइफा खान जो कि मार्केटिंग मैनेजर हैं प्रोफेशन फाइव की। आज की इस वीडियो में हम करेंगे स्पेशल अनाउंसमेंट जो कि आपको बताएंगे राजा साहब। जी राजा साहब बताइए। थैंक यू वेरी मच जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपके इल्म में है कि लास्ट ईयर प्रोफेशन फाइव जो है वो मर्जी वजूद में आई थी, और हाइफा खान इज द फर्स्ट वन मार्केटिंग मैनेजर ऑफ प्रोफेशन फाइव। हाइफा खान की क्यादत में आपने सिर्फ कैश वर्थ नहीं बल्कि और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया में आपने कंपेन देखी।